I'm Abraham Hassan. I'm head of the Fire and Rescue Training Wing of the MLNC Success Academy. और नाउ जिस स्टेशन पे इस वक्त हम हैं ये लाइव फायर फाइटिंग का स्टॉल है और यहाँ पर हम फायर फाइटर्स को धोखे दे रहे हैं कि इन्होंने किसी भी लाइव फायर सीन के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। म्यूजिकल का बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये दो तरह की मेन पार्ट ऑफ गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड फोम, ये दो फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अलावा होती हैं किसी भी बड़ी फायर सीन के ऊपर, किसी भी इंसिडेंट के ऊपर। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू SOP हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल दो गाड़ियाँ मूव करती हैं जो आप देख रहे हैं, और जो सिनेरियो हम आपको डिस्प्ले करने वाले हैं और एग्जिबिट करने वाले हैं उसके अंदर देयर इज अ व्हीकल ऑन फायर जिसके अंदर आपको ए क्लास और बी क्लास दोनों टाइप ऑफ फायर मिलेंगी, यानी कि सॉलिड और ठोस चीज़ें भी आग पर हैं, यानी कि गाड़ी और उसका मटेरियल, इसके अलावा उसका जो फ्यूल है, जो ऑयल है, वो भी आग का हिस्सा होगा। ऐसी किसी भी आग के अंदर हमारी जो गाड़ियाँ मूव करती हैं तो उसके अंदर ड्राइवर, लीड फायर रेस्क्यूअर और फायर रेस्क्यूअर्स मौजूद होते हैं जो पूरी तरह ट्रेंड है कि किसी भी फायर को कैसे अटैक करना है। ये नॉर्मली दो तरफ से किसी भी फायर को अटैक करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने होस को ले आउट किया, किसी भी गाड़ी से डिसमाउंट कर ये इकट्ठे होते हैं, एक छोटा सा फॉलन करके फौरी तौर पर इंसिडेंट कमांडर इनको बताता है कि किस किस्म की सिचुएशन है और इन्होंने क्या क्या जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। उसके फौरन बाद होस ले आउट किए जाते हैं, उस वक्त इन्होंने पूरा टर्न आउट केयर, दैट इज देयर कम्प्लीट टर्न आउट केयर, दैट इज फायर सूट, फायर सेफ्टी शूज, देयर हेलमेट्स, ग्लव्स, फ्लैश हुड, ये तमाम चीज़ें इन्होंने डोन की होती हैं और पहनी होती हैं, और इसके बाद ये फायर को दो तरफ से रिस्पॉन्ड करते हैं, अटैक करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, और नॉर्मली तीन ही लोगों ने होस को और नोजल को हैंडल किया होता है क्योंकि ये बहुत प्रेशराइज्ड है, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लिहाजा इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और टेक्निक की ज़रूरत है जो हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और जिस वक्त ये फायर सीन पर पहुँचते हैं और व्हीकल ऑन फायर पर पहुँचते हैं उसके बाद फायर सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ड्राइवर और जो स्टाफ गाड़ी पर मौजूद है वो फायर पंप को स्टार्ट करें और फौरी तौर पर पानी और फोम जरूरत के मुताबिक फायर सीन तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद ये टारगेट करते हैं जिस जगह पर इन्होंने पानी और फोम का इस्तेमाल करना हो, और उसके बाद दो तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो फोम आप देख रहे हैं ये एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम है जो बेसिकली ऑयल प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल प्रोडक्ट को, पेंट्स को और लिक्विड फायर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर हम पानी को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करते हैं क्योंकि पानी केमिकल्स को और ऑयल्स को मज़ीद स्प्लैश करने का और केमिकल रिएक्शन किसी और तरह का बनाने में मदद देता है, लिहाजा ये फोम उसके ऊपर एक लेयर बना देती है जिसको स्मदरिंग कहते हैं, और ये वो प्रोसीजर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। ये वो तरीक़ाकार जिस पर फायर फाइटिंग करते हैं, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियाँ तफवीज की गई हैं, और दोनों तरफ से अटैक करने के बाद फायर को कंट्रोल करने के बाद उसके बाद इस चीज़ को उसी तरह सिक्योर किया जाता है, पानी को क्लोज़ किया जाता है, फोम को क्लोज़ किया जाता है, तमाम होजेस को ड्रेन किया जाता है और हर चीज़ को दोबारा से रिहैबिलिटेट करके तैयार करके अगली कॉल के लिए ये फायर फाइटर तैयार हो जाते हैं। जो फायर फाइटिंग सूट्स, जो फायर सूट इन्होंने पहने हुए हैं, ये इनको आग की हिद्दत से महफूज रखते हैं एक ख़ास फासले तक। इसके अलावा हेलमेट्स, फायर शूज़, ग्लव्स, ये हमारे बुनियादी PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा है। ये तमाम तरबियत जहाँ पर मौजूद हर फायर रेस्क्यूअर को दी जाती है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फायर वो मेन फायर्स हैं जिस पर हमारे रेस्क्यूअर्स यानी फायर रेस्क्यूअर रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी भी इमारत में आग लगे, चाहे वो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, हाई राइज बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, बेसमेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स वहाँ पर मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल फायर्स हैं, हमारे फायर फाइटर अपनी तमाम काबिलियत और तरबियत के साथ वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस तरीके से ये सर्विस पिछले तमाम सालों में अपने क्याम के बाद से लेकर अब तक लाखों की तादाद में फायर केसेस को अटेंड कर चुकी है। पाकिस्तान!